हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर के बारे में। हम पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में, बट हम इसके पहले सबसे स्टार्टिंग करने के पहले हम जानेंगे कि इसका एनाटॉमी जानेंगे। सबसे पहले इसकी एनाटॉमी कैसी है थोड़ी सी, और किस तरीके से इसका डेवलपमेंट है, यानी किस तरीके से यूरेटर बनता है, ये भी जानना है ना हमको कि यूरेटर वही आया है तो किस तरीके से बन के आया है हमारी बॉडी में, उसके बारे में जानेंगे। हम इसका ब्लड सप्लाई देखेंगे। ब्लड सप्लाई के बाद बेटा देखेंगे हम इसका थोड़ा नर्व सप्लाई, कि इसका नर्व सप्लाई कैसे होती है, यानी कौन कौन से नर्व्स इसमें सप्लाई है जो सिग्नल ट्रांसमिट का और रेगुलेशन का काम करती है, कौन कौन सी नर्व है जो उसको ब्लड सप्लाई करती है। और उसके बाद बेटा हम देखेंगे इसकी हिस्टोलॉजी, कि भाई इसकी हिस्टोलॉजी कैसी है ना। हमारा मेन मकसद तो हिस्टोलॉजी देखना है, पर क्योंकि आपको ये सब चीज़ें भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वहाँ तक लेके जाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं बेटा यूरेटर। यूरेटर का बेटा सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी देख लेंगे, है ना। एनाटॉमी में क्या आएगा बेटा इसका, एनाटॉमी में ये किसमें सिचुएटेड रहती है, किससे कनेक्टेड रहता है यूरेटर। आपकी बॉडी में यानी हमारी बॉडी में दो किडनी रहती है ना, ईच इन साइड, एक एक साइड में एक एक किडनी रहती है, ठीक है। अब उस किडनी से दो पाइपलाइन जैसे समझ लो सेगमेंट्स निकलते हैं, यानी दो पाइप जुड़े हुए रहते हैं जो किडनी फिल्टर करके ब्लड को वापस सर्कुलेट कर देती है आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू ब्लड को, और जो एलिमिनेटेड जो सब्सटेंस बचता है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसमें एलिमिनेटेड जो सब्सटेंस रहते हैं वेस्ट सब्सटेंस, वो क्या होते हैं यूरेटर से बाहर आके यूरिनरी ब्लैडर में भर के यूरेथ्रा के थ्रू क्या होते हैं आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है यूरेटर का, ये जो है ना दो पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर, ये किडनी से कनेक्टेड रहते हैं, यानी किडनी से जो भी एक्सक्रीशन के लिए मटेरियल आ रहा है भाई, ये जो यूरेटर है बेटा वो लेकर आते हैं, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर में भर जाती है चीजें, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में भर जाती है चीजें और क्या होती है फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आई मेरी। अब बेटा ये जान लो आप कि यूरेथ्रा का शेप, इसका साइज, इसका डायमीटर कैसा होता है ना। हर किडनी में एक यूरेथ्रा रहता है ना, एक एक किडनी एक एक यूरेथ्रा, ठीक है, एक किडनी में एक यूरेथ्रा रहता है। जो अपर किडनी यूरेथ्रा का जो अगर हम डिवाइड करेंगे यूरेथ्रा को, तो जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दो पोर्शन में यूरेथ्रा को डिवाइड करते हैं। तो जो इसका अपर हाफ रहता है यानी आधा हिस्सा जो रहता है वो एब्डोमेन में रहता है बेटा, है ना, और जो लोअर हाफ रहता है वो पेल्विक में रहता है। एब्डोमेन कहाँ तक आता है बेटा आपका, कमर, ये जहाँ से कमर स्टार्ट होगी ये कमर वाला ऐसा वेस्ट, उसके नीचे जाएगा आपका पेल्विस, और कमर के ऊपर वेस्ट के ऊपर वाला जितना हिस्सा है ये आएगा आपका एब्डोमेन में, है ना। ये आपका चेस्ट पोर्शन हो गया, चेस्ट के नीचे कौन सा पोर्शन हो गया, ये एब्डोमेन हो गया कमर तक, और कमर के नीचे आपका पेल्विक पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है बेटा आपका ये एब्डोमेन वाला, उसमें आधा पोर्शन रहता है यूरेटर का, और पेल्विक वाले पोर्शन में यूरेटर का आधा पोर्शन रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपर पेल्विक हाफ, और इसको बोलते हैं लोअर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ, एब्डोमेन वाला और एक पेल्विक वाला, इतने इतने भाग में सिचुएटेड रहता है, यानी कि इतना इसका सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं या इतना ही एरिया में डिवाइडेड रहता है यूरेटर, है ना बेटा। अब आगे देखते हैं। अब जो बेटा यूरेटर है, यूरेटर की जो लेंथ रहती है यानी इसकी बेटा लंबाई, इसकी लेंथ रहती है 10 to 12 inches, यानी 10 से 12 इंच की इसकी लंबाई रहती है, इसकी लेंथ रहती है। और बेटा इसको अगर सेंटीमीटर में नापा जाए तो इसकी जो लेंथ रहती है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 20 to 30 centimeters की इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। अगर इंचेस में देखें तो कितनी रहेगी, 10 to 12 centimeters, और अगर इसको हम इंच और सेंटीमीटर में देखा जाए तो इसकी रहेगी 20 to 30 centimeters इसकी लेंथ रहेगी। और इसकी बेटा विड्थ रहती है यानी इसकी चौड़ाई या इसका डायमीटर, इसका डायमीटर रहता है बेटा 4 mm का, कितना रहता है 4 mm का डायमीटर रहता है। और अगर इसको इंचेस में कैलकुलेट किया जाए तो इसका रहेगा 0.12 inches to 0.16 inches, ठीक है। तो आप इंचेस में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 4 mm इसका याद रख लो, तो भाई इसका 4 mm डायमीटर रहता है और 10 टू 12 इंचेस इसका, या तो 20 टू 30 सेंटीमीटर इसकी कितनी रहती है लेंथ रहती है बेटा। अब बेटा 4 mm इसका डायमीटर रहता है तो समझो, मैंने आपको किडनी स्टोन्स पढ़ाया था तब, मैंने क्या बताया था आपको, 4 mm का स्टोन रहता है या तो 4 to 6 mm के इस तरीके से स्टोन बनते हैं। तो स्टोन कब बनेगा बेटा आपकी बॉडी में, जब बनेगा बेटा स्टोन, तो पहले से क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, क्रिस्टल तो क्या पहले से
जमा हुआ के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं ना बॉडी में, तो वो तो क्या होते हैं कि अगर यूरेटर बड़ा रहेगा तो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना, आपकी बॉडी से बह के निकल जाएंगे। पर अगर यूरेटर के साइज से ज़्यादा बड़ा अगर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गया तो वो फिर स्टोन बन जाएगा, वो ब्लॉक कर देगा, है ना। बात मेरी समझ में आई आपको कि अगर कोई भी क्रिस्टल या स्टोन बना है, बारीक सा भी अगर स्टोन बना है और वो स्टोन यूरेटर के साइज से काफ़ी छोटा है तो वो बह कर फ्लो होकर आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। पर अगर वो स्टोन या क्रिस्टल आपकी यूरेटर के साइज के बराबर या उससे बड़ा है तब वो क्या करेगा बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तब वो ब्लॉकेज करेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 4 mm का अपना क्या है यूरेटर है, और अगर स्टोन इसके साइज का इससे बड़ा होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है। ये मैं आपको जस्ट पॉइंट एक क्लियर करने के लिए बता रहा था, है ना। अब बेटा इसमें एक जंक्शन होता है जो यूरेटर को और ब्लैडर को कनेक्ट करता है। जंक्शन यानी कि जब एक जगह पे दो रास्ते आके मिल जाते हैं ना, या एक जगह से या दो रास्ते निकल रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं जंक्शन। या तो एक सड़क से बहुत सारी सड़क जा रही है ना, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं इधर से भोपाल के लिए भी जा सकता हूँ, नागपुर के लिए भी जा सकता हूँ, इंदौर के लिए भी जा सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ, एक जंक्शन पे हूँ, है ना। जंक्शन एक जॉइंट जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं या कई रास्ते एक जगह पे आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ एक जगह पे आके मिल रही है, यानी कि यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये दो जगह दोनों एक जगह पे आके मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, जॉइंट हो रहे हैं। तो इस जंक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, वेसिको यूरेटेरिक जंक्शन। क्या बोलेंगे, वेसिको यूरेटेरिक जंक्शन, ठीक है। हम देख रहे हैं इसको, इस पॉइंट को ये बोलेंगे, ठीक है, वेसिको यूरेटेरिक जंक्शन बोलते हैं। अब बेटा देखेंगे इसका डेवलपमेंट। बात इतनी समझ में आ गई आपको, दो किडनी होती है, दो किडनी में दो, एक किडनी में एक यूरेटर रहता है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई हमने देख ली है, अपर जो आपका इसका हाफ रहता है वो एब्डोमेन में रहता है और लोअर हाफ का रहता है बेटा इसका पेल्विक में रहता है, ठीक है। इसमें जो जॉइंट रहता है, यानी कि जो जॉइंट कहाँ से, यूरेटर का और यूरिनरी ब्लैडर का जो जॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, वेसिको यूरेटेरिक जंक्शन बोलते हैं। अब बेटा इसका देखेंगे डेवलपमेंट, यानी किस तरीके से ये बनता है, ये भी जरूरी है ना जानना कि भाई किडनी बन रही है तो किडनी नेफ्रॉन से बन रही है, चलो ठीक है हमने जान लिया नेफ्रॉन से बन रही है। आपका लीवर बन रहा है तो भाई हिपेटोसाइट से बन रहा है, चलो जान लिए। बाकी आपके बोन बन रही है तो चलो कैल्शियम से बन रही है, हम जान लिए। पर यूरेटर भी तो बन रहा है ना, अब यूरेटर कैसे बनेगा, हमको उसका डेवलपमेंट देखनी है ना। अब इसका बेटा मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है कि सर अब हम कन्फ्यूज़ हो गए तो समझ में नहीं आ रहा है, नहीं इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ सुपरफिशियली आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना पता होना चाहिए। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको हिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेन हमारा टॉपिक हमारा वही है, पर ये थोड़ा आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसका डेवलपमेंट अभी बनता कैसे होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम, ये बड़ा होता है किससे, अर्ली एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, क्या होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब पहली शुरुआती स्टेज, यानी कि आपका जब फर्टिलाइजेशन होता है किसका, एग का, ओवम का और स्पर्म का, है ना, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है, है ना। अब एम्ब्रियो से क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो में धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर ही क्या बोलते हैं, हाथ निकलेंगे, छोटी छोटी उंगलियां निकलेंगी, है ना, छोटी सी नाक, छोटे से कान, है ना, छोटे 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 पैर निकलेंगे, वो क्या होता है बेटा, एम्ब्रियो से डेवलपमेंट हो रहा है, है ना। अब जब बेटा ये एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है तो अंदर भी क्या बन रहे, एक्सटर्नली तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, अंदर भी छोटा सा हार्ट धड़केगा 3 महीने की उम्र में, है ना। 3 महीने में क्या हो जाता है बच्चा, जब 3 महीने का हो जाता है, 3 महीने कब, एम्ब्रियो में, है ना, जब अंदर रहता प्रेगनेंसी के दौरान, बाहर नहीं बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर बर्थ नहीं बोल रहा हूँ, बिफोर बर्थ बोल रहा हूँ मैं। जब वो 3 महीने का होता है तो छोटा सा उसका हार्ट बनेगा, टुक टुक धड़कता है, हम सोनोग्राफी में देखते हैं इसको, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, छोटी छोटी किडनी बनेगी, अब किडनी में से छोटे छोटे यूरेटर्स निकलेंगे। अब वो छोटे छोटे यूरेटर्स कैसे निकलेंगे बेटा, इसको थोड़ा इमेजिन करना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो ये अर्ली एम्ब्रियो में जब बच्चा शिशु, यानी एम्ब्रियो, अभी ये शिशु नहीं बोल सकता इसको क्योंकि अभी बना नहीं है, है ना, इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। तो जो एम्ब्रियो है बेटा, एम्ब्रियो अर्ली एम्ब्रियो यानी स्टार्टिंग की एम्ब्रियो वाली स्टेज में क्या रहता है, कैसे बनता है, ये मेसोडर्म,
मेसोडर्म जो रहता है अंदर सेल्स रहते हैं, कनेक्टेड टिश्यू रहते हैं, मेसोडर्म से क्या बनता है, अर्ली एम्ब्रियो में क्या बनता है, यूरेटर का फॉर्मेशन होता है। मेसोडर्म क्या बेटा, मेसोडर्म सिर्फ यूरेटर को ही नहीं बना रहा, मेसोडर्म कई चीजों को बना रहा है ना, पर यहाँ पर इस केस में क्या बन रहा है, ये यूरेटर को भी बना रहा है। अब यूरेटर में मेसोडर्म बनेगा, मेसोडर्म से क्या बनेगा बेटा, मेसोडर्म से बनेगा मेसोनेफ्रिक डक्ट बनेगी, है ना। ये बना आपका मेसोडर्म, समझ लो ये मेसोडर्म बना, है ना, मेसोडर्म बना। अब मेसोडर्म से क्या बनेगा बेटा आपका, ये मेसोनेफ्रेटिक डक्ट बनेगी। इतना सा पोर्शन जैसे कि किडनी है अगर, है ना, ये किडनी है, तो ये मेसोडर्म बना, मेसोडर्म से मेसोनेफ्रेटिक डक्ट बनेगी, है ना। अब मेसोनेफ्रेटिक डक्ट से क्या बनेगा, मेसोनेफ्रेटिक डक्ट से बनेगा आपका मेसोनेफ्रेटिक डक्ट से बनेगा आपके यूरेटरी बर्ड्स। ये बर्ड्स कैसे बोलेंगे बेटा, चिड़िया बर्ड्स नहीं, BUDS बर्ड्स, बर्ड्स यानी कोम, कोम फूटेगी, यूरेटर की कोम फूटना, है ना। मेसोडर्म बना, बीज बना, उससे डक्ट निकली, और क्या, कोम फूटना, यानी बर्ड्स बोलते हैं ना, बर्डिंग करते हैं ना, पेड़ में बोलते हैं यार इसकी बर्ड निकल गई है, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, है ना। तब क्या बोलते हैं, इसकी कोम फूट गई है, अरे ये गुलाब की कोम फूट गई है, अरे ये गुलाब खिलने वाला है, अरे कली आ गई है, है ना। हम गुलाब लगाते हैं, अरे गुलाब की यहाँ से अपने बर्डिंग करके लगाए थे, यहाँ से कोम फूट गई, ऐसा बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, एक बर्ड निकलती है, किसको, जिसको बोलते हैं यूरेटरी बर्ड। अब उस यूरेटरी बर्ड से क्या बनता है बेटा, अब वो ही कोम बड़े होकर क्या बनेगी, यूरेटर बनेगी, है ना। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आपको एक और एग्जाम्पल बताओ, हम कोई बीज बोते हैं, चलो बोना ही छोड़ दो, बोना छोड़ दो, हम अंकुरित करते हैं, चना अंकुरित करते हैं, मूंग दाल अंकुरित करते हैं, है ना। अंकुरित करने के समय जो उसका वो निकलता है ना, बर्ड्स निकलते हैं, स्प्राउट बोलते हैं जिसको, उस स्प्राउट जो रहता है बेटा, वो समझ लो आपका यूरेटरी बर्ड है। अब वो जब बड़ा होएगा बेटा, तो क्या बनेगा, यूरेटर बनेगा। उसी को आप जमीन में भी बो दो तो बर्ड निकलेगी, बर्ड से वो बाहर आएगी सफ़ेद सफ़ेद कोम, जो यूरेटरी बर्ड है। अब वो बड़ा होकर क्या बनेगा, पत्ती निकलेगी छोटी छोटी, और बड़ा होकर क्या बनेगा, वो यूरेटर बनेगा। तो इस तरीके से बेटा क्या बन रहा है आपका, यूरेटर बन रहा है। अब मुझे घरेलू एग्जाम्पल इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हम किससे ज़्यादा जुड़े रहते हैं, घर से अपने जुड़े रहते हैं, ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं जो हमारे देखने में अक्सर आती है, है ना। इसलिए मैं थोड़े घरेलू टाइप के एग्जाम्पल दे देता हूँ, या आसपास के हमारे वातावरण में जो हम आसानी से देख पाते हैं, है ना। हम कोई कठिन एग्जाम्पल आपको दे दूँ मैं आपको, और सर के पास चल जाए, वैसे वाला एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं देता हूँ, है ना, बहुत नॉर्मल से एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या देखा, यूरेटर का हमने साइज देखा किस तरीके से होता है, कितने यूरेटर होते हैं, दो यूरेटर होते हैं हर एक किडनी में, अपर हाफ अब्डोमेन में सिचुएटेड रहता है, और लोअर हाफ कहाँ रहता है बेटा, पेल्विक में रहता है ना। इसकी लेंथ रहती है बेटा 10 to 12 inches, और अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो 20 to 30 इसकी कितनी रहती है सेंटीमीटर में, इसकी लेंथ रहती है। इसकी विड्थ रहती है बेटा 4 mm की, और अगर इसको इंचेस में निकाला जाए तो 0.12 से 0.16 इंचेस में रहती है। अगर इंचेस आप याद नहीं रख पा रहे तो सिर्फ mm में इसको आप याद रख सकते हो। जो यूरेटर और ब्लैडर जहां आके जुड़ते हैं, दो रास्ते जहां आके मिल रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं वेसिको यूरेटरिक जंक्शन बोलते हैं इसको। और बेटा हमने इसका डेवलपमेंट देखा किस तरीके से ये डेवलप होती है। अब बेटा मैंने आपको इतना बताया कि अर्ली एम्ब्रियो में मेसोडर्म बनता है, मेसोडर्म से बनता है मेसोनेफ्रेटिक डक्ट, और मेसोनेफ्रेटिक डक्ट से क्या बनता है बेटा आपका, यूरेटरी बर्ड्स बनते हैं, जैसे यूरेटर फॉर्मेशन होता है। अब बेटा इधर आ जाओ, अब ये बर्ड्स क्या होते हैं बेटा, बर्ड्स डायलेट एंड डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट यूरेटर्स, यानी डायलेट यानी बड़े होते हैं ये, यानी चौड़े होते हैं ये, बड़े होते हैं, डायलेट होते हैं, और डायरेक्ट डायलेट होकर लेफ्ट में एक बढ़ जाएगा, और एक कहाँ बढ़ जाएगा, एक राइट में बढ़ जाएगा, ठीक है, एक लेफ्ट किडनी में चल जाएगा, मतलब वहीं से तो उनकी शुरुआत हो रही है, और एक राइट किडनी से उग जाएगा। इस तरीके से क्या होते हैं ये बर्ड्स, डायलेट एंड डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट यूरेटर्स, लेफ्ट और राइट यूरेटर्स में क्या होते हैं, बड़े होकर ये यूरेटर बनाते हैं, ठीक है। अब क्या और क्या बनाते हैं बता बेटा, ये बर्ड्स यूरेटर के अलावा और क्या क्या बना रहे हैं ये बर्ड्स, यूरेटर के अलावा बर्ड्स ऑल्सो फॉर्म, यानी और इसके अलावा भी क्या बना रहे हैं ये, पेल्विस बना रहे हैं। पेल्विस क्या होगा बेटा, यूरेटरिक पेल्विस, ये जो ये पोर्शन जो रहता है ना आपका, ये पोर्शन इसको बोलते हैं यूरेटरिक पेल्विस, ये जो पोर्शन रहता है ना ये, इसको बोलते हैं यूरेटरिक पेल्विस, है ना।
ये पेल्विक पोर्शन बनाता है यूरेटर्स का, मेजर एंड माइनर कैलेक्स बनाते हैं, एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट है, यानी लो मेजर एंड माइनर कैलेक्स कौन सा हो जाएगा बेटा, जैसे कि आपका इधर समझ लो ये बने पिरामिड्स है ना, ये बने पिरामिड्स ठीक है, ये बने पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स में से क्या आ रहा है बेटा, जो भी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो सीक्रेट होकर इन पिरामिड्स से आएगा है ना, और यहां पे क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है ठीक है, नेफ्रॉन का बेटा क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये जे जैसा आया है ना, ये क्या है बेटा, ये है पिरामिड्स, किडनी के अंदर क्या रहते हैं, पिरामिड्स रहते हैं, इन पिरामिड में क्या है, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन ने एक छाते के जैसा जे बना दिया है, जो क्या लाके छोड़ रहा है वहां पे एक्सक्रीटेड यूरिन को, वो छोड़ रहा है, वो यूरिन कलेक्ट होकर आएगी, ये जो पोर्शन रहता है कैलिक्स में आएगी, जिसको कैलिक्स पोर्शन बोलते हैं, इस पोर्शन में आएगी तो इसको बोलते हैं मिनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स यानी छोटा पोर्शन, और जब ये बड़ा पोर्शन यानी ज्यादा पोर्शन जब यूरिन इधर आने लग जाएगी, इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा मेजर कैलिक्स, और ये मेजर कैलिक्स से क्या आएगी, फिर ये पेल्विक यूरेटर पेल्विक में आएगी और यूरेटर से फ्लो होकर यूरिन बाहर आ जाएगी ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा आपको मेरी, कि मेजर और माइनर कैलिक्स क्या होता है और कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, मेरी बात क्लियर हो गई आपको, कि ये इधर नेफ्रॉन बैठा हुआ है आपका कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, कॉर्टेक्स से उसने एक टांग निकाल के कहां रख दी है, पिरामिड में रख दी है, वो टांग क्या है बेटा, उसकी कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो रहा है बेटा, जो भी एक्सक्रीट हो रही है सबस्टेंस कलेक्टिंग डक्ट कहां लाके छोड़ दे रहा है, पिरामिड में छोड़ रहा है, और उस पिरामिड का जो एंड वाला पोर्शन है यानी कि नीचे वाला पोर्शन है वो कौन सा, माइनर कैलिक्स है, और जो बड़ा पोर्शन और आएगा उसके आगे वो हो जाएगा मेजर कैलिक्स। तो यूरेटर बर्ड्स क्या बना रहे हैं, एक तो यूरेटर एक पेल्विक बना रहे हैं, दूसरा क्या बना रहे हैं बेटा, मेजर और माइनर कैलिक्स बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट बना रहे हैं जो कि एक नेफ्रॉन का पार्ट है। तो इस तरीके से बेटा क्या बन रहा है आपका, यूरेटर का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इस तरीके इसका साइज और डायमीटर होता है। तो इस वीडियो में हमने बेटा क्या समझा, इसका साइज, इसका डायमीटर कैसा, इसका डायमीटर, इसकी लेंथ कितनी होती है और इसकी चौड़ाई कितनी होती है और किस तरीके से ये बनता है, और बर्ड्स से बनने के बाद ये बर्ड्स और क्या क्या डेवलपमेंट करती है अंदर, वो चीज बेटा हमने इस वीडियो में समझी, और नेक्स्ट वीडियो बेटा हम इसका समझेंगे इसका ब्लड सप्लाई, इसका नर्व सप्लाई के बारे में।